तो देश भर में कई जगह चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर योगगुरु बाबा रामदेव का भी बयान सामने आया। बाबा रामदेव का कहना है कि अंग्रेजों के समय किसानों की हालत काफी अच्छी थी, किसानों को अच्छा लाभ मूल्य मिलना चाहिए। और बिहार के मोतिहारी में आयोजित योग शिविर के दौरान बाबा रामदेव ने ये बातें कही। राहुल गांधी के मंदसौर दौरे पर रामदेव ने कहा कि किसानों के आंदोलन की आग में घी डालने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रामदेव ने साथ ही कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई नीतियां बनाई हैं और अब इन नीतियों को जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि किसान आयोग बनाकर किसानों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। और रामदेव ने कहा कि किसानों के नाम पर राजनीति भी लगातार हो रही है और सभी जगह किसान नाखुश नहीं है। अगर ऐसा होता तो पंजाब के किसान भी आंदोलन कर रहे होते, दूसरे राज्यों के किसान भी आंदोलन कर रहे होते। इधर महाराष्ट्र में चल रहे किसान आंदोलन लगातार बड़ा होता जा रहा है। गुरुवार जो है सुबह राज्य में एक और किसान जो है खुदकुशी करने की जो है खबर सामने आई है। और इससे पहले नासिक के दो किसान भी खुदकुशी कर चुके हैं। और अब सोलापुर के करमाना तहसील के गांव में 45 साल के धनाजी जाधव ने खुदकुशी कर ली है। कर्जे में दबे इस किसान ने खुदकुशी से पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कहा कि मेरा अंतिम संस्कार ना किया जाए बल्कि मेरे दोस्तों का कर्ज माफ कर दिया जाए। इधर राज्य में बढ़ते खुदकुशी का आंकड़ा बढ़ने के बाद से अब राज्य सरकार 5 एकड़ से कम जमीन वाले 1 करोड़ से ज्यादा किसानों की कर्ज माफी का फैसला कर सकती है। कहा जा रहा है कि इसका ऐलान 31 अक्टूबर को हो सकता है। वहीं इससे इतर शिवसेना ने कैबिनेट मीटिंग से कन्नी काटी और 1 जून से चल रहा आंदोलन महाराष्ट्र में किसानों ने फसल खराब होने की वजह से कर्ज माफी और एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों के लिए जो है 1 जून को आंदोलन शुरू किया था। और महाराष्ट्र के किसानों ने देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ किसान क्रांति नाम से आंदोलन शुरू किया। आंदोलन कर रहे किसानों ने अहमदनगर जिले में बड़ी मात्रा में दूध हाईवे पर बहा दिया। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन जारी रखेंगे। और कहां से हुई शुरुआत महाराष्ट्र में किसान आंदोलन की शुरुआत जो है अहमदनगर जिले के गोदावरी नदी के किनारे बसे पूर्णतांबा गांव से हुई और सबसे पहले इसी गांव से हड़ताल की शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह का बेहद असंवेदनशील बयान सामने आया है। किसानों के आंदोलन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि यहां योग आंदोलन चल रहा है। दरअसल बिहार के पूर्वी चंपारण से सांसद राधामोहन सिंह चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल के अवसर पर मोतिहारी में आयोजित योग शिविर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव भी उनके साथ मौजूद थे और यहां दोनों ने योगाभ्यास भी किया। हालांकि इस दौरान पत्रकारों ने बातचीत में जब कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से किसानों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने एक तरफ से इसे टालते हुए कहा कि यहां बस योग आंदोलन चल रहा है। यहां गौर करने वाली बात है कि दोनों राज्यों में आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों को लेकर